दोस्तों कोडर प्रिंस के इस चैनल में मैं उन्हीं साहब का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पाइथन सीखने की सीरीज में यह चैप्टर वन का लेक्चर थ्री है, जिसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर्ड है जिसका नाम है व्हाई टू स्टडी पाइथन। दोस्तों आखिर हम पाइथन क्यों पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट आखिर हम क्यों पढ़ें, ये जरूर आप हमेशा थॉट रखते होंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई ऐसा सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे होंगे या आपके सेशन में कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर चल रहा होगा जो आपके काम का ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर मान लीजिए आपको मैं फिजिक्स पढ़ाऊं दिन भर, तो आप आखिर सोचेंगे कि आखिर इसका काम क्या है। तो टीचर आपको बताएगा कि भाई इसका ये काम है, तो आपको कुछ मोटिवेशन मिलेगा कि चलिए इसका ये काम है, अगर मैं ये पढ़ लूंगा तो ये काम मैं कर लूंगा। ठीक है, तो उसी तरह आखिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज न चुन के मैं पाइथन ही क्यों पढ़ूं, इसका एक मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले लेक्चर टू में मैंने बता रखा है कि पाइथन का कि डोमेन कहाँ का है, मतलब पाइथन कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। ठीक है, तो उसे तो कुछ आपको नॉलेज हुआ ही होगा कि पाइथन एक वास्ट यूजेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लेकिन इसके अलावा मैं एक अलग से टॉपिक इसलिए बनाया क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आखिर आप पाइथन क्यों पढ़ें, क्यों पाइथन एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ही पढ़े। ठीक है, जावा सी सी प्लस प्लस इस पे आप क्यों नहीं जाए, क्यों पाइथन ही पढ़े। तो इसके लिए चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने नेक्स्ट पेज पे, जिसका मेन टॉपिक होगा व्हाई टू स्टडी पाइथन। दोस्तों पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, विंडोज, मैक, लिनक्स, रेस्पबेरी पाई एटसेट्रा। देखिए पहला जो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर रन कर सकता है, वर्क कर सकता है। कोई ऐप अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं जैसे विंडोज पे, तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी रन कर सकता है, जैसे मैक, लिनक्स, रेस्पबेरी पाई एटसेट्रा, इन सारे प्लेटफॉर्म पर भी वो ऐप रन कर सकता है। तो इसलिए पाइथन का पहला तो एडवांटेज आपको यही मिल गया कि पाइथन जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये पाइथन एज ए सिंपल सिंटेक्स, सबसे बड़ा और सबसे सटीक एडवांटेज जो सबसे आपको मोटिवेशन देगा वो यही है कि पाइथन है द सिंपलेस्ट सिंटेक्स इन ऑल द लैंग्वेजेस यू एक्चुअली वांट टू रीड और एक्चुअली गोइंग टू रीड फॉर द प्रोग्राम्स। ओके, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप पढ़ने जा रहे हैं जैसे सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, तो इस सब में अगर पाइथन को अगर मैं कहूं कि सबसे सिंपल इसके पास सिंटेक्स है, तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा आप इसमें सिंटेक्स यूज करेंगे। सिंटेक्स क्या है और कैसे यह आसान है, तो ये चीजें जो बिगिनर है उनको तो बाद में ही समझ आएंगी, लेकिन जो पहले से कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आए होंगे उनको पता होगा कि सिंटेक्स को कवर करना, सिंटेक्स को हैंडल करना कितना मुश्किल काम है। कहाँ सेमी कोलन लगाना है, कहाँ ब्रैकेट लगाना है, कहाँ कर्ली ब्रेसेज लगाना है, ये सारी चीजें जो है पाइथन में बिल्कुल भी नहीं है। कहाँ कर्ली ब्रेसेज लगाना है तो ये भूल ही जाइए, पाइथन में कर्ली ब्रेसेज लगाना ही नहीं है। सेमी कोलन जो अदर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का समझिए कि वर्टेब्रे होता है, यहाँ पे भी उसका यूज नहीं करना है। तो इन सारी चीजों में पाइथन जो है सिंपलेस्ट सिंटेक्स कैरी करता है, इसलिए पाइथन पढ़ना जो आसान है। पहला कि पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दूसरा पाइथन इज अ सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। तो दो हमारे पास पॉइंट्स मेन मिल गए, जिस ये दो ही काफी हैं पाइथन पढ़ने के लिए, आगे तो देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन फॉर फर्दर नॉलेज वी हैव टू रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स, बट दीज टू पॉइंट्स आर इनफ टू गिव अस मोटिवेशन व्हाई टू स्टडी पाइथन। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए अगर सी में एक प्रोग्राम करें, एक पाइथन में प्रोग्राम करें, एक जावा में प्रोग्राम करें, या कोई अदर लैंग्वेज में एक ही प्रोग्राम करें, सेम प्रोग्राम करने की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे कम लाइंस जो होंगे वो पाइथन में होंगे डेफिनेटली। ये बात सुन के आपको बिल्कुल सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि सबसे कम लाइन पाइथन में होंगे। पहला तो ये सिंपल सिंटेक्स होता है, दूसरा ये कम लाइंस होता है, मतलब कितने सारे एडवांटेजेस आपको मिल रहे हैं यहाँ पर सोचिए जरा। तीसरा चौथा सॉरी पाइथन रन्स ऑन इंटरप्रेटर सिस्टम, मीनिंग दैट कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड एज सून एज इट इज रिटन, दिस मींस दैट प्रोटोटाइपिंग कैन बी वेरी क्विक। देखिए जैसा कि मैंने पहले बता रखा है कि इंटरप्रेटर इसमें केवल होता है, कंपाइलर का तो कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, मतलब एग्जीक्यूशन जो होगा बहुत ही फास्ट होगा, कंपाइलर वाला जो प्रोसेस होगा वो तो बिल्कुल हट ही जाएगा। मतलब इंटरप्रेटर जो होता है जैसे आप लाइंस लिखते गए वहीं पे वो एरर दिखा देता है, ठीक है, पहला चीज तो ये, तो जो एग्जीक्यूशन होगा प्रोग्राम का वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए पाइथन पढ़ना नेसेसरी है, ठीक है। पाइथन कैन बी ट्रीटेड इन अ प्रोसीड्यूरल वे एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे और फंक्शनल वे। देखिए ये जो पॉइंट है वैसे लोग जो सी प्लस प्लस या जावा पढ़ के आए हैं उनको तो आसानी समझ आएगी, लेकिन जो बिगिनर्स हैं उनको बस अगर नहीं समझ आ रहे तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे लेक्चर्स कवर होंगे तो ये सारे पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे मतलब कहने का मतलब ये है कि पाइथन इज
ओप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, मतलब ओप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है कि किसी भी, ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है कि एज ए जावा, जावा जो है 99% जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये जो है ये पूरी तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़ जो आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आपका लैपटॉप, आपका मोबाइल, आपका ईयरफोन, आपका चार्जर, ये सारी चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को ये फॉलो करता है, ये क्या होता है, ये आगे के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जैसे जैसे आप इस सीरीज को देखते जाएंगे वैसे वैसे ये सारी चीज़ें कवर होंगी और बिल्कुल आसान भाषा में ये सारी चीज़ें आप जरूर सीखेंगे। तो पाइथन क्यों पढ़ें, आई होप कि आपको ये मोटिवेशन मिल गया होगा, क्यों, क्योंकि सबसे सिंपल सिंटेक्स होगा पहला चीज़, दूसरा चीज़ ये कि नंबर ऑफ लाइन्स जो होगा इसमें कम होगा, तीसरा चीज़ ये कि एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, और सबसे मेन एडवांटेज जो है इट वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। तो आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और इसमें कुछ समझने वाला चीज है नहीं, तो आई होप कि ये सारे चीजों का आप नोट्स बना रहे होंगे और इसकी अलग नोटबुक भी आपने बना ली होगी। तो चलिए ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, तो आगे देखते हैं आगे हम क्या पढ़ सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बता दूं आपको कि अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो, तो कभी भी 24/7 आप इस नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं और उस क्वेरी को आप उसी समय रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेरी रखना एक अपने आप में समझिए कि थोड़ा सा विष रखने के बराबर है, अगर थोड़ा सा विष आपके शरीर में है या बहुत ज़्यादा विष है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विष विष ही होता है। मतलब आप क्वेरी अगर छोटा सा है या बड़ा है तो उसको अगर रिजॉल्व नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो है बहुत बड़ा बन जाएगा और आगे के लेक्चर्स आपके लिए अनइंटरेस्टिंग हो जाएंगे। तो दिए हुए नंबर पर आप जरूर संपर्क करें बेधड़क और बिना संकोच के करें। तो आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको अभी तक पसंद आ रहे होंगे और आगे भी आई होप कि मैं ऐसा लेक्चर्स दूं कि आपको बिल्कुल इजी और आसान भाषा में समझ आ सके। तो चलिए यहीं पे ये लेक्चर खत्म करते हैं, थैंक यू।